मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी लॉकडाउन के पीरियड में जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई भी विद्यालय खुला नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम अपना समय व्यर्थ में गंवा दें। हमें इसका सही से उपयोग करना है। आज हम लोग देखेंगे एक पोयम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। बच्चों, इस पोयम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे। Dust of Snow, written by Robert Frost. He was born in the year 1874 and he died in the year 1963. बच्चों, आप इसे अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। अगर किन्हीं के पास किताब है तो किताब में भी आप इसे पेंसिल से लिख सकते हैं। बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रोमांटिक पोएट थे। रोमांटिक पॉइंट कहने का यहाँ क्या तात्पर्य है? क्या इसका मतलब है कि फिल्मों में हम जो रोमांस देखते हैं वो? नहीं बच्चों, इसका मतलब है लव फॉर नेचर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अ रोमांटिक पॉइंट। वो जितने भी कविताएं लिखे हैं उनके बारे में, नेचर में जितनी भी खूबसूरती मौजूद है उसके बारे में उन्होंने अच्छे से वर्णन किया है। नेचर में कितनी सारी खूबसूरत चीजें मौजूद है बच्चों, जितनी भी चीजें मौजूद हैं, क्या है, रिवर्स, ट्रीज, बर्ड्स, माउंटेन्स, ह्यूमन बीइंग, अदर क्रीचर्स, स्मॉल इंसेक्ट्स, ऑल दोज ब्यूटीफुल थिंग्स कम अंडर नेचर। मेनी मोर थिंग्स आर ऑल्सो देयर। बहुत सारी अन्य चीजें भी हैं जो कि हमारे नेचर में मौजूद हैं, और उन्हीं सब चीजों के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताओं में हमें देखने को मिलती है। बच्चों, आज का जो पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचर के बारे में वर्णन किया है, और जिसका हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा महत्व है, जिसका बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है हमारे लाइफ में। और इस पोयम के द्वारा उन्होंने दर्शाया है कि कितनी छोटी से छोटी चीज का हमारे जीवन में कितना बड़ा से बड़ा महत्व हो सकता है। हमें उन छोटी चीजों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज हम लोग पहले इस पोयम को पढ़ेंगे, फिर इसका थीम और इसकी मीनिंग जानेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए पोयम पढ़ते हैं। सभी अपने बुक पुस्तक खोल लिए हैं। अगर किसी के पास पुस्तक नहीं है तो वो उसे अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। मैंने पोयम यहाँ पे लिखा हुआ है। द व्हील अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and said some part of a day I had rued। बच्चों, ये 8 लाइन की कविता है, पर जब हम इसके इंटरनल मीनिंग देखेंगे, इसके इंटरनल मीनिंग के बारे में जानेंगे, तो इसका बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा मीनिंग है, और जो हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इस पोएम के राइमिंग स्किल के बारे में जान लेंगे। बच्चों, राइमिंग स्किल, राइमिंग वर्ड का मीनिंग मालूम है बच्चों? राइमिंग स्किल क्या होता है? राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? राइमिंग वर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण एक जैसा होता है। जैसे आप फर्स्ट स्टैंजा देखिए, फर्स्ट स्टैंजा के फर्स्ट लाइन में द वे अ क्रो, आप यहाँ क्रो शब्द देख रहे हैं बच्चों, क्रो। फिर फर्स्ट स्टैंजा के थर्ड लाइन में आप देखिए द डस्ट ऑफ स्नो, क्रो और स्नो सुनने में एक जैसे लगते हैं ना बच्चों? उसी तरह से फर्स्ट स्टैंजा के ही सेकंड लाइन को आप देखिए, शुक डाउन ऑन मी, मी। फिर इसी के फोर्थ लाइन में आप जाइए, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ट्री। ये दोनों शब्द क्रो स्नो मी ट्री एक जैसे सुनने में लग रहे हैं। क्रो जैसा लगता है वैसा ही स्नो है, मी के जैसा ट्री है। फिर सेकेंड स्टैंजा में आप आइए, इसमें है हैज गिवन माई हार्ट, एच ई ए आर टी। बच्चों, इसका प्रोनाउंसिएशन हर्ट नहीं होता है, हार्ट होता है।
थर्ड लाइन में आप देखिए सेकेंड स्टैंजा के एंड सेट सम पार्ट पी ए आर टी पार्ट, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। फिर सेकेंड स्टैंजा के सेकेंड लाइन में है मूड अ चेंज ऑफ मूड, और फोर्थ लाइन में है ऑफ अ डे आई हैड रूड आर यू ई डी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जैसे शब्द है, तो इसका राइमिंग स्किल भी उसी तरह से सेट होता है। ए ये और ये एक जैसा है, ए फिर ये और ये एक जैसा है, ए बी ए बी ए बी ए बी। उसी प्रकार फिर सेकेंड स्टैंजा में है ए बी ए बी, ये इसका राइमिंग स्किल है। बच्चों आप सभी मुझे लगता है राइमिंग स्किल और राइमिंग वर्ड्स के बारे में समझ गए होंगे। अब आइए इसके थीम के बारे में। बच्चों इसका थीम क्या है इस पोएम का? थीम इसका जो सेंट्रल मीनिंग है इस पोएम का, उसका क्या मीनिंग है? मैं बार बार बोल रही थी छोटी से छोटी चीजों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है ना? इसमें सबसे पहले आ जाएगा कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। मतलब ह्यूमन बीइंग्स हम लोग मानव और नेचर प्रकृति के बीच में किस तरह से संबंध है, ठीक है बच्चों? फिर एक और थीम आएगा इसका सिग्निफिकेंस, छोटे से छोटे चीज का सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल इवेंट्स कह सकते हैं। फिर तीसरा चीज आ जाएगा कि नेचर की चीजें हमारे गलत धारणाओं को कैसे बचाती है। आप कह सकते हैं, ठीक है बच्चों? अब आइए इस पोयम के मीनिंग के बारे में हम जानेंगे। पहले स्टैंजा में पोयम जो पोएट जो है वो बहुत ही खराब मूड में रहते हैं किसी कारणवश से। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों कि हम रास्ते से चल रहे होते हैं और बिल्ली हमारा रास्ता काट देती है। क्या होता है बच्चों, हम क्या मानते हैं? बिल्ली जब रास्ता काट देती है तो उसे अपशगुन मानते हैं, ठीक है बच्चों? तो उसी तरह से पोएट के साथ भी यहाँ कुछ हुआ होगा जिस कारण से वो बहुत ही खराब मूड में रहते हैं, बैड मूड में रहते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं द वे अ क्रो शुड डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो फर्स्ट स्टैंजा का जो सेटिंग है पोएम, इसमें क्या है कि पोएट जो है खराब मूड में रास्ते पे चल रहे होते हैं और रास्ते के किनारे बहुत सारे ट्रीज रहती है और वो बर्फीली जगह रहती है, तो ट्रीज भी पूरा लैंड और पूरा ट्रीज वगैरह जितना भी है माउंटेन्स है सब स्नो से कवर्ड रहता है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो ये सब है ना बच्चों, देखे हैं आपने टीवी में देखा होगा आपने, स्नो से कवर्ड रहती है। तो जैसे ही वो जाते हैं रास्ते पर तो क्या होता है, एक कौवा काला कौवा जो है पेड़ पर आकर बैठता है या फिर पेड़ पर पहले से बैठा होता है तो कुछ हलचल करता है जिस कारण से क्या होता है पोएट पर जो है डस्ट के कुछ स्नो के कुछ पार्टिकल्स जो है पोएट के ऊपर गिर जाती हैं। और वो कौवा कहाँ बैठा होता है? हेमलॉक ट्री। ये हेमलॉक ट्री क्या है बच्चों और शुभ का मीनिंग क्या है यहाँ पे? शुक एस एस डबल ओ के शुक, इसका मीनिंग है शेक मीन्स हिलाना, इसी का पास्ट टेंस है शुक हिलाना। बच्चों यहाँ पे हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री क्या है बच्चों? हेमलॉक ट्री एक बहुत ही पॉइजनस ट्री है, पॉइजनस ट्री विथ
स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। इसमें व्हाइट कलर की बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं, है ना बच्चों। तो किसी कारणवश पोएट जो है बहुत ही खराब मूड में होते हैं और वो रास्ते पर चल रहे होते हैं, जिस रास्ते के किनारे में बहुत सारी पेड़ होती है, वो सारे पेड़ बर्फ के कण से ढके हुए होते हैं। तभी एक कौवा आकर बैठ जाता है या फिर वो पहले से बैठा होता है, ये चीज क्लियर नहीं किया गया यहाँ पे, लेकिन ऐसा हम मान सकते हैं कि या तो वो आकर बैठा या पहले से अगर बैठा है तो उसने कुछ भी हलचल की, जिस कारण से वो हेमलॉक ट्री से जो है बर्फ के कुछ कण पोएट के शरीर पर गिर पड़े। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पर सेकेंड स्टैंजा हम लोग देखेंगे। Has given my heart a change of mood and set some part of a day I had rued. इस स्टैंजा में कहा गया है कि जैसे ही उस पेड़ से बर्फ के कण गिरते हैं, किसके ऊपर? पोएट के ऊपर। और बर्फ किसने गिराया है? कौवे ने। और कौवा कहाँ बैठा था बच्चों? किस पेड़ के ऊपर? हेमलॉक ट्री के ऊपर। और हेमलॉक ट्री कैसा ट्री है? वो एक बहुत ही पॉइजनस ट्री है ना बच्चों। तो बोलते हैं कि जैसे ही बर्फ पोएट के शरीर के ऊपर गिरा, उनका मूड जो है सडनली चेंज हो गया। वो कैसे मूड में थे? पहले स्टेंजा में वो कैसे मूड में थे? बैड मूड में थे, है ना। और जैसे ही उनके ऊपर बर्फ गिरी, उनका मूड क्या हो गया? सडनली चेंज हो गया, है ना बच्चों। मतलब उनका मूड अच्छा हो गया। क्या हो गया? बहुत ही अच्छा हो गया, खुशनुमा हो गया, है ना, खुशनुमा सा हो गया, है ना बच्चों। और जो दिन वो बैड मूड के कारण बर्बाद कर चुके थे, तो आधा दिन तो ऑलरेडी उनका बर्बाद हो गया, आधा या दिन का कुछ, एक दिन का कुछ भाग। लेकिन मूड ठीक होने के कारण क्या हुआ कि उनका शेष जो बाकी समय था उस दिन का, वो उनका बहुत ही अच्छा हो गया। ठीक है बच्चों, समझे? तो यहाँ पे कहते हैं कितनी छोटी सी बात थी ना कि उनके ऊपर बर्फ के कण गिरे और उनका मूड सडनली खुशनुमा हो गया, जो कि पहले वो बहुत ही सैड थे किसी भी कारण से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रो है और हेमलॉक ट्री है। क्रो काला कौवा, जिसे कि हम बैड ओमेंस मानते हैं, है ना, जिसे कि हम अनप्लेजेंट थिंग्स मानते हैं। यहाँ पर अनप्लेजेंट थिंग्स कौन सी चीजें हैं? अनप्लेजेंट क्रो है और क्या है? हेमलॉक ट्री है, है ना बच्चों, क्रो हेमलॉक ट्री। लेकिन देखिए हम कहते हैं ना कि किसी भी, बहुत सारी पुरानी चीजें हमारे हमने सुनी है, जैसे कि बिल्ली रास्ता काट देती है तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, कुछ अपशगुन होता है ना, और दही खाने से, कहीं जाओ बाहर दही खाओ तो यात्रा अच्छी होती है, या फिर जिस भी काम के लिए जा रहे हैं उसमें सफलता मिलती है। तो ये सब धारणाएं हैं, कुछ अच्छी धारणाएं हैं, कुछ बुरी धारणाएं हैं, लेकिन ये सब धारणाएं किसी ने बनाया पर ये हमेशा ही सच होती है, ऐसा तो नहीं है, है ना। हम भी कहीं जाते हैं, बिल्ली रास्ता काट देती है, लेकिन फिर भी हम तो रुकते नहीं है, हम अपने काम को जाते हैं। और हमने कभी, चूंकि हम इस चीज को मानते नहीं है, इसलिए हमारे साथ कभी कुछ बुरा हुआ नहीं वैसा। तो मैं इस धारणा को बिल्कुल भी नहीं मानती, और ऐसा सबके साथ नहीं होता है, जो जिस तरह से मानते हैं उनके साथ वैसा ही होता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कवि ने कहा है क्रो और हेमलॉक ट्री किनके कारण उनका मूड अच्छा हुआ? इन्हीं दोनों के वजह से, जिन्हें पीपल जो है हम लोग आमतौर पर बैड ओमेंस मानते हैं, अनप्लेजेंट थिंग्स मानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कवि के ऊपर क्रो ने ही बर्फ के कण गिराए, हेमलॉक ट्री से गिराए। वो बर्फ के कण, वो हेमलॉक ट्री पर बैठा था जो कि एक बहुत ही पॉइजनस ट्री होता है, लेकिन उन्हीं दोनों के कारण जो है पोएट का मूड बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव चीजों को उन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली लिया है, है ना। हमें भी ऐसा करना चाहिए बच्चों कि हम किसी भी धारणा को यूं ही आंख मूंद कर नेगेटिव नहीं मान लें। अगर हम किसी चीज को पॉजिटिव देखते हैं
वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, है ना बेटा। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के प्रति पॉजिटिव वे में सोचना, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज को यूं ही आंख मूंद कर मानते रहेंगे, गलत धारणाओं पर चलते रहेंगे जो किसी ने बना दिया और बस हम उसी पथ पे चले जा रहे हैं, ये तो सही नहीं है, है ना। हमें उन धारणाओं का खंडन करना चाहिए। और कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ अ बिहोल्डर। तो कोई भी चीज खूबसूरत या बदसूरत तभी होती है जब हम उस चीज को उस तरीके से देखते हैं। हमें सामने वाला आदमी अच्छा लगेगा अगर हम, हमारी सोच पॉजिटिव होगी, हम उसके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। या फिर हमें कोई आदमी बुरा लगेगा क्योंकि हम उसके बारे में हमेशा बुरा सोचेंगे, हमारे मन में उसके प्रति बुरी धारणाएं हैं। एक मैं इससे रिलेटेड एक छोटी छोटा सा वक्तव्य बताती हूँ। एक बार एक पेंटर ने एक पेंटिंग रोड पे लगाई और नीचे लिख दिया कि इसमें जितनी भी बुरी चीजें हैं उसे आप सर्कल कीजिए। तो धीरे धीरे जो है किसी ने उस पेंटिंग में, किसी लड़की का पेंटिंग था, तो किसी ने उसके आंख को कर दिया, किसी ने उसके बाल को, किसी ने नाक को, धीरे धीरे देखते देखते दिन ब दिन में उसका पूरा चेहरा भर गया। फिर कुछ सालों के बाद सेम पेंटिंग उसी पेंटर ने फिर से रोड के बीच में लगा दी और इस बार नीचे लिखा गया कि इस पेंटिंग में आप बताइए कि सबसे खूबसूरत सी चीज कौन सी है। फिर से किसी ने आंख पे लिखा कि बहुत अच्छी है, किसी ने बालों पे लिखा, किसी ने नाक पे लिखा, बहुत सारी। इसी तरह करते करते दिन ब दिन फिर से वही पेंटिंग जो है अच्छी बातों से भर गई। तो कहने का मतलब है कि आपके नजरिए में ही अच्छा और बुरा होता है, छिपा हुआ होता है। आपकी सोच में अच्छाई और बुराई होती है, ना कि प्रकृति के बनाए हुए किसी भी पशु, जानवर, व्यक्ति या फिर किसी भी प्राकृतिक चीजों में। तो हमें हर चीज को पॉजिटिवली लेना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। बनी हुई धारणाओं पर, गलत धारणाओं का खंडन करना चाहिए। उसे कभी भी हमें आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम पॉजिटिव रहेंगे, हम आगे जरूर बढ़ेंगे और हमें सब कुछ सकारात्मक ही मिलेगा, नकारात्मक नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये इस पोयम का मीनिंग और थीम था। अगर कोई भी डाउट हो तो अगले क्लास में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका क्लैरिफिकेशन करूंगी। थैंक यू।